सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। पिछले 2-3 सालों से किसान भाइयों को लहसुन का मंडी में भाव बहुत कम देखने को मिल रहा था, इतना कम कि लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा था। पर इस साल लहसुन के भाव में तेज़ी देखने को मिल रही है और आगे भी मिल सकती है। इस साल लहसुन की फसल एक लाभकारी फसल हो सकती है। साथियों, 1 एकड़ में लहसुन की फसल का जो आकलन है, हम इन 5 बिंदुओं के आधार पर करेंगे। मिट्टी और समय, लागत, उत्पादन और आमदनी और मुनाफा, प्रॉफिट कितना हुआ, इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम आज लहसुन की फसल का पूरा आकलन करने वाले हैं। लहसुन की टॉप 3 वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि हमारे वीडियो में आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लहसुन की खेती का जो सही समय है उसकी बात करेंगे हम, कि यदि आपने रबी की लहसुन की खेती कर रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर इसकी बुआई के लिए सर्वोत्तम समय होता है। और अब हम बात करेंगे साथियों लागत की, कि 1 एकड़ लहसुन की खेती करने में हमें कितनी लागत लगती है। तो लागत में हम देखेंगे कि जो लहसुन की फसल है उसमें बीज की मात्रा कितनी लगती है, इस पर निर्भर करती है। तो यदि हमने घर का बीज उपयोग किया है तो जो बीज की मात्रा है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और यदि हमने बाज़ार से हाइब्रिड बीज लेके आ रहे हैं, उन्नत वैरायटी का बीज लेकर आ रहे हैं, तो उसकी जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा जो लगती है वही लगेगी। जैसे बीज 160 से 200 किलोग्राम 1 एकड़ खेत में लगता है, और यदि घर का बीज है तो निश्चित तौर पे उसकी थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा लगानी पड़ेगी। एक कुंटल 12,000 रुपये का लहसुन का बीज आएगा, तो 2 कुंटल लगेगा 1 एकड़ में, तो 12 दूनी 24,000 का लगेगा। इस तरह हमारा 1 एकड़ में जो खर्चा है वो 24,000 रुपये लगेगा। तो 24,000 रुपये पर एकड़ बीज का खर्चा आएगा। बीज बुआई से पहले साथियों हमें बीज का उपचार जरूर करना चाहिए, और इसका उपचार करने के लिए हम देखते हैं कि बीज उपचार का जो खर्चा है वो 1,000 रुपये आएगा। इसमें BASF कंपनी की झेलोरा आती है, उसकी 2 ml झेलोरा फंजीसाइड 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। इतनी मात्रा मिलाकर हम बीज उपचार कर देंगे। खेत की तैयारी का खर्चा आएगा 4,000 रुपये, गोबर की खाद का खर्चा आएगा 3,500 रुपये, और बेसल डोज का खर्चा आएगा 1,600 रुपये, और रासायनिक खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट का खर्चा आएगा 2,500 रुपये। तो इस प्रकार से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे सल्फर की लहसुन में आवश्यकता ज़्यादा होती है। निराई गुड़ाई का लेबर का खर्चा आएगा 6,000 रुपये, क्योंकि हमें केमिकल का उपयोग कम ही करना चाहिए। स्प्रे का खर्चा आएगा 1,500 रुपये, जो हम कीटों के लिए स्प्रे करेंगे उसका खर्चा 1,500। बीज बुआई का लेबर का खर्चा आएगा 2,000 रुपये, बीज हम बुआई करते हैं उसमें 2,000 रुपये आएगा। हार्वेस्टिंग का लेबर का खर्चा आएगा 6,000 रुपये, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा 2,000 रुपये। और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है साथियों वो इस पर निर्भर करता है कि आपकी जो मंडी से खेत की दूरी है वो कितनी है। यदि दूरी अधिक होगी तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो अधिक आएगा, और यदि आपकी मंडी और खेत की दूरी कम है तो निश्चित तौर पे खर्चा कम आएगा। तो इस प्रकार जो ट्रांसपोर्ट की लागत है वो निर्भर करती है आपकी खेत और मंडी की दूरी पर। तो साथियों इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 एकड़ लहसुन में 52,700 रुपये का खर्चा टोटल आता है। अब लागत के बाद हम बात करेंगे उत्पादन की, प्रोडक्शन की, कि 1 एकड़ लहसुन की फसल से उत्पादन कितना होता है। तो 1 एकड़ लहसुन की फसल से कितना उत्पादन होता है साथियों, तो 1 एकड़ यदि हमने लहसुन की फसल लगाई है और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया है, 3 × 3 इंच पर हमें लहसुन की जो कलियां हैं उनकी बुआई करनी चाहिए, लगाना चाहिए 3 × 3 इंच पर। और यदि इस दूरी पर लगाते हैं तो 30 क्विंटल से 40 क्विंटल के आसपास जो हमारा उत्पादन है वो देखने को मिलता है 1 एकड़ लहसुन की फसल में। तो 1 एकड़ लहसुन में मान लीजिए 35 क्विंटल एवरेज उत्पादन प्राप्त हुआ हमें, 35 क्विंटल एवरेज उत्पादन प्राप्त हुआ, तो अब हम देखेंगे कि हम 1 एकड़ लहसुन की फसल से कितना
जो आमदनी है वो होती है, तो ये बाज़ार भाव पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि बाज़ार का जो भाव है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो हम 2 सितंबर 2023 की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में मंडी भाव 11,200 रहा, मध्य प्रदेश के काला पीपल में मंडी में 9,800 रहा, मध्य प्रदेश की लहसुन पिपरिया मंडी में 4,520 रहा, उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 7,120 रहा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की रतलाम मंडी में 8,000 रहा। तो इस प्रकार हम सभी का जो औसत है, यदि उसकी बात करें कि इन सभी का औसत 6871 पर क्विंटल मान लेते हैं, 6871 रुपये, तो एक क्विंटल का 6871 रुपये, तो 35 क्विंटल निकला था 2,40,485 रुपये। एक एकड़ लहसुन की फसल से आमदनी हुई 2,40,485 रुपये। ज़रूरी नहीं कि यह रेट हर साल सेम रहे, हर वर्ष अलग अलग रेट होता है। जैसे पिछले 2 सालों से रेट लहसुन का कम देखने को मिल रहा है, तो यदि रेट कम है, मान लीजिए 2,500 रुपये क्विंटल हमारी जो लहसुन की फसल है वो 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मार्केट में बिकती है, तो उसमें हमारा जो आमदनी है वो 87,500 रुपये होगी एक एकड़ लहसुन की फसल में। हालांकि इस बार साथियों जो लहसुन की फसल के बाज़ार भाव हैं वो अच्छे देखने को मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो हम आइए देखते हैं कि एक एकड़ लहसुन की फसल से शुद्ध मुनाफा कितना होगा। तो हम देखते हैं कि लहसुन की फसल में जो हमारा आमदनी हुई 2,40,485 हुई, लागत लगी थी 52,700, प्रॉफिट हुआ 1,87,785 रुपये। साथियों अब हम बात करेंगे लहसुन की जो टॉप किस्में हैं उनके बारे में। तो पहली है यमुना सफ़ेद वन, G1 के नाम से जानते हैं, 150 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी है यमुना सफ़ेद 2, G50 के नाम से आती है। यमुना सफ़ेद 3, G282 के नाम से आती है। यमुना सफ़ेद 4, G323 के नाम से आती है। इसके अलावा ऊटी लहसुन, देसी लहसुन और जीटी लहसुन की खेती विशेष तौर पर की जाती है। मध्य प्रदेश में जीटी लहसुन को ही उगाया जाता है और जीटी लहसुन का जो उत्पादन है वो भी अच्छा देखने को मिलता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यदि हमारे वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। जय जवान जय किसान।